बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। आज कौन नहीं बिटकॉइन को जानता, सब कोई बिटकॉइन के नाम से वाकिफ हैं। बिटकॉइन एक समय पे सबसे कीमती कॉइन था। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जिसे आप सब लेना चाहते हैं। बिटकॉइन की कीमत आज लाखों में है। बिटकॉइन की शुरुआत 2009 में सतोशी नाकामोटो ने की थी। सतोशी नाकामोटो ई फाउंडर हैं जिन्होंने बिटकॉइन ब्लॉकचेन की शुरुआत की थी। बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है जिसे आप पैसों को अपने वॉलेट में रखते हैं। ऐसे बिटकॉइन को आप ई वॉलेट में रखते हैं। ई वॉलेट एक इंटरनेट में एक वॉलेट होता है जिस पे आप अपनी ई करेंसी रखते हैं और BTC में ही आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके बड़े स्तर पे आजकल माइनिंग हो रही है जिसको डीकोड करना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए लाखों कंप्यूटर अपनी माइनिंग में लगे हुए हैं और बिटकॉइन की डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्भर करता है। अगर सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। बिटकॉइन की डिमांड अगर बढ़ेगी तो बिटकॉइन का पैसा भी काफ़ी बढ़ेगा और सप्लाई बढ़ेगी तो बिटकॉइन का दाम भी बढ़ेगा। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे काम करता है, जैसे आप देख पा रहे हैं, प्रूफ माइनर वेरिफिकेशन प्रोसेस ट्रांजैक्शन मिरर ब्लॉक इस सब पे काम करता है। इसकी माइनिंग आज बहुत बड़े बड़े स्तर पर की जा रही है। जो आप बड़े बड़े जो CPU मॉनिटर्स हैं इस पे हाई प्राइस सुपर कंप्यूटर्स में इसकी माइनिंग की जाती है। इसको डीकोड करना बहुत ही मुश्किल है। इसको 4-5 वजीरेक्स बाइनेंस जेप पे के माध्यम से इसको खरीद सकते हैं। बिटकॉइन पर किसी का हक नहीं है, ये एक वर्चुअल नेटवर्क है जिस पे किसी का अधिकार नहीं है। बिटकॉइन अपने डिसेंट्रलाइज तरीके से अपना काम करता है। ये बिटकॉइन की जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। अगर ऐसी वीडियो आपको और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।